people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing further the first chapter of class 10th chemistry, chemical reactions and equations. In this video, I will tell you how to balance a chemical equation. So for that, first of all, let us see how to represent a chemical equation. एक chemical equation को लिखते कैसे, represent कैसे करते हैं. Example मैंने यहाँ पे लिया है, CH4 plus 2O2 will give CO2 plus 2H2O. इस example में left side पे CH4 और O2 है जो कि reactants हैं, और right side पे CO2 और H2O है जो कि products हैं. यहाँ पे left side पे आप देख सकते हैं O2 क्या के 2 लिखा है, right side पे H2O क्या के 2 लिखा है. ये coefficients हैं इनका मतलब, और जहाँ पे 1 है यानी कि CH4 और CO2 इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे assume करते हैं कि 1 लिखा हुआ है. तो इसका मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल CH4 का दो मॉलिक्यूल O2 के साथ रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल CO2 और दो मॉलिक्यूल H2O बना रहा है. अब इस इक्वेशन से क्या क्या समझ में आता है वो बात करते हैं. तो फंडामेंटल्स एस्पेक्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन. द सब्सटेंस अंडरगोइंग रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. जो सब्सटेंस रिएक्शन कर रहे हैं आपस में उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स. उनको लिखते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन पे. सब्सटेंस जनरेटेड बाय द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. रिएक्शन के दौरान जनरेट होने वाले नए सब्सटेंस को बोलते हैं प्रोडक्ट्स. उनको लिखते हैं राइट साइड ऑफ द इक्वेशन पे. प्लस साइन सेपरेट्स द इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, वाइल एरो सेपरेट्स द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द रिएक्शन. प्लस साइन की हेल्प से हम रिएक्टेंट्स, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को आपस में सेपरेट करते हैं, और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को आपस में सेपरेट करते हैं, और एक एरो साइन की हेल्प से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ऑल टुगेदर आपस में सेपरेट करते हैं. द रिलेटिव नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट स्पीशीज आर रिप्रेजेंटेड बाय कोफिशियंट्स नंबर प्लेस्ड इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ ईच फॉर्मूला. अ कोफिशियंट इज ऑफ 1 इज टिपिकली नॉट मेंशन्ड. जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कितना मॉलिक्यूल है उसको बोलते हैं कोफिशियंट, जो नंबर फॉर्मूले के जस्ट बाद में लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, जैसे कि 2CO2 या 2H2O. तो दैट इज कोफिशियंट. और जहाँ पे 1 होता है वो टिपिकली मेंशन नहीं किया जाता. अब देखते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं. तो यहाँ हमने एग्जांपल लिया है, H2O विल गिव H2 प्लस O2. बहुत ही बेसिक रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, जहाँ पर क्या है, राइज अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स. वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स. इसको इक्वेशन के फॉर्म में प्रेजेंट करो बैलेंस्ड फॉर्म में. तो इक्वेशन क्या बनेगी, अनबैलेंस्ड इक्वेशन जो समझ में आ रही है फॉर्मूले से, ऊपर लिखे हुए से क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल मतलब H2O विल गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स विच इज H2 एंड O2. सिंपल, H2O विल गिव H2 प्लस O2. दिस इज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन. अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है. कैसे करेंगे, पहले काउंट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एन इक्वेशन. इक्वेशन में कौन कौन से एटम हैं और कितने हैं इसको प्रेजेंट कर देख लेंगे. एलिमेंट कितने इसमें, H है और O है. रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड दोनों की बात करनी है. रिएक्टेंट साइड पे 1 × 2 यानी कि H के दो एटम हैं, और राइट साइड पे कितने हैं, 2. लेफ्ट साइड पर भी 2 हैं, राइट साइड पर भी 2 हैं. रिएक्टेंट में भी 2, प्रोडक्ट में भी 2, लेकिन O2 लेफ्ट साइड पर 1 है, राइट साइड पर 2 हैं. नाउ 2 = 2 यानी कि H इज बैलेंस्ड, बट O2 में 1 ≠ 2 मतलब O बैलेंस्ड नहीं है. हमें O बैलेंस करना है. तो स्टेप 3 में टू बैलेंस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स. To balance the number of oxygen atoms, a reasonable first attempt would be to change the coefficient of H2 to integer that will yield 2 atoms on both sides. दोनों साइड पर 2 एटम लाने के लिए हमने एक प्रोडक्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो हमने लिख दिया उसको 2H2O विल गिव H2 प्लस O2. अब हम देख सकते हैं कि दोनों साइड पर O के 2 एटम है, कोई दिक्कत नहीं. 2H2O विल गिव H2 प्लस O2. अब O तो 2 हो गए, दोनों साइड बराबर है, लेकिन H लेफ्ट साइड पे कितने हैं, 4, राइट साइड पे 2. अब H इम्बैलेंस हो गया और O बैलेंस हो गया. अब हमें H को भी बैलेंस करना पड़ेगा. अब H को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट राइट साइड पे H को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो क्या हुआ कि 2H2O विल गिव 2H2 प्लस O2. अब लेफ्ट साइड पे 4H है, 2O है,
और राइट साइड पे चार एच है, दो ओ है। अब पूरी तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। इसी चीज़ को समझते हैं एक और एग्जांपल से। राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन N2+O2 फॉर्म डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन मतलब दो नाइट्रोजन, पेंटा ऑक्साइड मतलब पांच ऑक्सीजन, मतलब N2O5। नाउ N2+O2 विल गिव N2O5। ये एक अनबैलेंस्ड बेसिक इक्वेशन ने बना ली पहले स्टेप में। इसके बाद हम काउंट करेंगे कौन कौन से एलिमेंट हैं और कितने हैं बोथ साइड्स पे। तो N हम देख सकते हैं कि दो हैं दोनों साइड पे, लेकिन O लेफ्ट साइड पे दो हैं, राइट साइड पे पांच हैं, जो कि बैलेंस नहीं है। अब हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे ओ को। तो ओ हम देख रहे हैं कि एक साइड पे पाँच है, एक साइड पे दो है, तो हमने मल्टीप्लाई करा दिया। लेफ्ट साइड पे ओ टू को मल्टीप्लाई कराया पाँच से और राइट साइड पे N2O5 को मल्टीप्लाई करा दिया दो से। इससे क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ओ 10 हो गए दोनों साइड पे, बैलेंस हो गया। लेकिन N2 लेफ्ट साइड पे अब भी दो है, राइट साइड पे अब कितने हो गए, चार हो गए, बैलेंस नहीं है। ओ बैलेंस है पर एन बैलेंस नहीं है। अब N को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड पे दो से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो N लेफ्ट साइड पे चार हो गए, राइट साइड पे चार थे ही, ओ 10 यहाँ भी है, ओ 10 वहाँ भी है, दोनों चीज़ें बैलेंस हो गई। दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। इस वीडियो में इतना ही, आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके दोस्तों को या जानने वाले किसी भी स्टूडेंट को इस वीडियो की ज़रूरत है, प्लीज़ इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।